हेलो गाइस, मैथमेटिक्स में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस लेसन की स्टडी कर रहे हैं। गाइस, हम लोगों ने देखा कि इस लेसन में हमें करना क्या है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे, उस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके उनका आंसर निकालना है। ये बेसिकली हमारा टारगेट है इस वाले लेसन में। अभी दो इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमारे सिलेबस में अलग अलग मेथड दिए गए। उसमें से हम लोगों ने दो मेथड ऑलरेडी देख लिए, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रैमर सोल्स। इन दोनों मेथड से हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अभी हम लोग आज तीसरा मेथड देखने वाले, जो कि है ग्राफिकल मेथड। अभी दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड किस तरह से यूजफुल होता है, किस तरह हम लोग ग्राफिकल मेथड की मदद लेके दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग इस लेसन में जानते हैं। ठीक है, अभी जानने से पहले कुछ छोटी मोटी बेसिक सी बातें हम लोग समझ लेते हैं, तब जाके हम लोग ये मेथड ठीक तरह से समझ पाएंगे। अभी वो मेथड, वो बेसिक सी बातें क्या है। मान लो आपके पास इक्वेशन है लाइक 2x + 3y = 4 और x + y = 5। ये दो इक्वेशन है गाइज आपके पास, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सर बेसिकली सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, हमें दो इन दो इक्वेशन में देखो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहे एक्स एंड वाई। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। अभी इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, उस एक्स और वाई की ही वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमें दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ही आएंगी। अभी इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हमें बेसिकली इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। अभी उसके पहले गाइस, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है। तो आपको पता है, जब भी हमारे पास मैथमेटिक्स में ax + by = c ये फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स में, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको बोला है कि हम लोग हमारे लाइफ में किसी चीज़ को चार वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक ओरल वे से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक थियोरेटिकल वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ग्राफिकल वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक मैथमेटिकल वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी तरह गाइज, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे लाइन की स्टडी करना है, तो मैं आपको ओरली बोल सकता हूँ लाइन की स्टडी करना है, लिख के दे सकता हूँ LINE लाइन की स्टडी करना है, ग्राफ निकाल के बता सकता हूँ मुझे इसका स्टडी करना है। और इसी चीज़ को अगर मुझे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या होगा, ax + by = c। ये बातें हम लोगों ने देख ली थी। अभी आपके सामने दो इक्वेशन इस तरह इस वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास दो इक्वेशन है इस फॉर्मेट में, तो हमारे पास सर दो लाइन है। हमारे पास क्या है, दो लाइन। अभी हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहले ये जानते कि अगर आपके पास ये अगर फॉर्मेट होता है, ये इक्वेशन इक्वेशन अगर होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन बेसिकली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन से हम लोग लाइन निकालना सीखते हैं कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन आता है, तो उस इक्वेशन से हम लोग उसका लाइन निकालना जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं, चलिए उसके बाद में फिर इक्वेशन सॉल्व करना समझते। तो कुछ स्टेप है जो स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन होता है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और वो ax + by के फॉर्मेट में होगा = c, इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन होता है, तो ये लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लाइन हमें ग्राफ के ऊपर निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, ड्रॉ x-axis and y-axis ऑन ग्राफ पेपर। आपका ग्राफ पेपर उठा लो, x-axis और y-axis निकाल लो, जो हम लोगों ने लो स्टैंडर्ड में बड़े अच्छी तरह से किया है। चलो, हम लोगों ने एक एक्स एक्सिस निकाला, एक वाई एक्सिस निकाला। अभी आपको सभी को पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, वो ओरिजिन होता है हमारा, उसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी इस साइड में हम लोग कुछ नंबर लिख देंगे, 1, 2, 3, 4। बट एक बात ध्यान में रखना गाइस, ये अगर आपका अंतर 1 है, तो सेम अंतर पे आपका 2 आना चाहिए, सेम अंतर पे 3, सेम अंतर पे 4। ऐसा नहीं ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा। तो ये इस बातों की आप जरा थोड़ी केयर कर लेना। सेम इस साइड में सारे निगेटिव नंबर आएंगे, इस साइड में सेम 1 उतना ही अंतर लेके, 2 उतना ही अंतर लेके, 3 पॉजिटिव और इधर के साइड में निगेटिव। इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको 1 का कितना अंतर लेना है। मान लो आपकी जो स्केल होती है, बेसिकली मान लो ये आपका स्केल है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, इस तरह से नंबर होते हैं। तो आप इस स्केल के ऊपर का कितना भी अंतर लेके 1 1 लिख सकते हो।
मतलब आप लोगों ने मान लो ये अंतर लिया और ये आ रहा है यहां पे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब 1, तो आगे का 3 सेंटीमीटर मतलब 2 आएगा, आगे का 3 सेंटीमीटर मतलब 3 आएगा, आगे का 3 सेंटीमीटर मतलब 4। तो यहां पे आपको लिख देना है कि भाई 1 यूनिट मतलब 3 सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट मतलब कितना अंतर है 3 सेंटीमीटर। तो जितना भी आप लोगे आपकी मर्जी। चलिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर देना। अभी सेकंड स्टेप क्या बोलता है गाइस, चूज एनी 3 वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई फॉर इक्वेशन एंड प्लॉट इट ऑन ग्राफ एंड ज्वाइन दिस पॉइंट। अभी इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लो हमारे पास इक्वेशन है एक्स माइनस वाई, या तो फिर सिंपल ले लेते एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मान लो हम लोगों ने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मान लेते 4, ये मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अभी आपको सबको पता है गाइस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो लाइन हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का निकाल दिया, दूसरा स्टेप ये बेसिकली क्या बोलता है चलिए समझते। अभी आपके मन से आप एक्स के कोई भी 3 वैल्यू उठा लो, आपके मन से देखो मैं वैल्यू उठाता हूं एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2। मैंने ये मेरे मन से 3 वैल्यू उठाए, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी 3 वैल्यू उठाओ। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि छोटे से छोटे वैल्यू उठाओ, पहली वैल्यू 0 उठाया करो हरदम, दूसरी वैल्यू 1 और तीसरी वैल्यू 2, यही वैल्यू उठाया करो, बट आपकी मर्जी आप कोई भी 3 वैल्यू उठा सकते हो। चलो उठा लिए। अभी स्टेप बोलता है कि चूज एनी 3 वैल्यू ऑफ एक्स, हम लोगों ने चूज कर दी एनी 3 वैल्यू, एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। इसका मतलब क्या, देखो जब आपका एक्स का वैल्यू 0 है वो इसमें पुट कर दो आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, चलिए निकालते। जब एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इसमें डाल दो एक्स का वैल्यू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो जब आपका एक्स 0 था तब आपकी वाई की वैल्यू क्या आ गई 4, तो वाई इक्वल टू कितना मिल गया 4। ठीक है, उसी तरह जब एक्स का वैल्यू 1 है तब y का वैल्यू क्या आ जाएंगे ये हम लोग डाल के देखते हैं। x का वैल्यू 1 डाल दो इस इक्वेशन में, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हमको y निकालना है, तो ये प्लस 1 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, तो y का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। उसी तरह x का वैल्यू जब 2 है तब y का वैल्यू क्या आ जाएगा ये हम निकालते हैं, x का वैल्यू 2 प्लस y इज इक्वल टू 4, प्लस 2 उधर जाने के बाद हो जाएगा 4 माइनस 2, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 2। तो देखो गाइस ये हमें 3 जो x के वैल्यू लिए थे उसके करस्पॉन्डिंग 3 y के वैल्यू मिल गए। तो एक टेबल आपको प्लॉट करना है, जिसमें एक x के वैल्यू होंगी एक y की वैल्यू होंगी। x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना था 4, x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना था 3, x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना था 2। निकाल दिया है टेबल। अभी नीचे क्या करना है गाइस, आपको x और y के वैल्यू लिखना है, x का वैल्यू 0 y का 4, x का 1 y का 3, x का 2 y का 2। अभी ये जो 3 पॉइंट मिले आपको बेसिकली ये क्या इंडिकेट करते हैं, जस्ट अ मिनट, ये जो आपको गाइस 3 पॉइंट मिले किस तरह से मिले, देखो x का वैल्यू 0 था तो y 4 मिला, तो ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें, x का वैल्यू 1 था y का वैल्यू 3 मिल गया ये सेकंड पॉइंट मिला, x का वैल्यू 2 था y का वैल्यू 2 था ये थर्ड पॉइंट मिल गया। इन तीनों पॉइंट को हमको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, यही हमारा सेकंड स्टेप बोलता है कि चूज एनी 3 वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकालो एंड फॉर इक्वेशन एंड प्लॉट इट ऑन ग्राफ। अभी ये इस इक्वेशन के लिए थे, अभी इसको हमको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। अभी किस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं चले आइए, बड़ा इजी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो 0 4 है, देखो ये जो पहला पॉइंट है ये एक्स कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है और जो दूसरा पॉइंट है वो वाई कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है। आपको कोऑर्डिनेट क्या होता है ये मैंने बेसिक में पढ़ा दिया है। चलो हम लोग प्लॉट करते हैं। अभी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर हमें कहीं मूव नहीं करना क्योंकि x का वैल्यू तो 0 है, बट y का वैल्यू कितना है 4, इसका मतलब y एक्सिस पे हमें चार चार स्टेप से ऊपर जाना है, चार के ऊपर जाना है।
तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर किधर मूव नहीं करना, बट वाई एक्सिस के ऊपर कितने किधर जाना है, 4 पे। तो ये हो गया गाइज वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 4। ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। देखिए ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर किधर सरका नहीं, बट वाई एक्सिस के ऊपर कितना सरका, 4 से। तो ये क्या फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 1, 3, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आपको 1 दूरी से जाना है, प्लस 1 है इसलिए इधर, माइनस 1 रहता तो इधर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना जाना है, 1, चलो आगे 1। और वाई एक्सिस के ऊपर कितना जाना है, 3 से। तो यहां से मैं 3 से चला जाऊंगा ऊपर, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 3। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो देखो इस पॉइंट को मैंने किस तरह से प्लॉट किया। और तीसरा पॉइंट है गाइस 2, 2, मतलब एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का भी वैल्यू 2। एक्स का वैल्यू 2 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग 2 दूरी से चले गए आगे आगे यहां पे, और वाई का वैल्यू 2 मतलब हमें वाई एक्सिस पे भी 2 पे जाना है, ये आगे 2। तो आगे ये पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2। हो गए गाइस 3 कोऑर्डिनेट। अभी हमें क्या करना है गाइस, ये जो 3 कोऑर्डिनेट मिल गए हमारे, अभी थर्ड स्टेप क्या बोलता है या सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि ये तीनों पॉइंट ज्वाइन कर दो। अभी अगर हम लोग तीनों पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये आपका एक बेसिकली लाइन आ जाएगा, ये आपका लाइन आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप बोलता है कि सी दैट ऑल पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन। देखो तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे ही आ रहे हैं। अभी देखो मैं ये बोर्ड के ऊपर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट आपके प्रॉपर ग्राफ के ऊपर करोगे तो आपका तीनों पॉइंट मैच एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे। अगर तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं आ रहे तो फिर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। हो गया थर्ड स्टेप। तो देखो गाइस इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन को इस लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हमें आना चाहिए, तब जाके हमें ग्राफिकल मेथड आ जाती है, बहुत ईजी है। जिसको ये आता है उसको ग्राफिकल मेथड बड़ी आसानी से आ जाएंगे। चलिए एक और हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं, एक और इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने मेथड स्टार्ट की नहीं, अभी हम लोग बस इतना सीख रहे कि किसी भी इक्वेशन को, किसी भी ये वाली इक्वेशन को लाइन में किस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं, ग्राफ में किस तरह से प्लॉट करते हैं। एक दूसरा हम लोग लेते इक्वेशन, एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है गाइस 2x प्लस 3y, थोड़ा सिंपल लेते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मान लो 5, ये लेते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब इस वाले इक्वेशन को हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। चलिए फिर हम लोग प्लॉट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या, आपको कोई भी 3 एक्स की वैल्यू चूज करना है आपके मन से। मैं फिर से वही वैल्यू चूज कर रहा हूँ, एक्स की 0, एक्स की 1 और एक्स की 2। उसके करस्पॉन्डिंग आपको वाई निकालना है इस इक्वेशन के लिए। अभी एक्स का वैल्यू 0 है, चलो डाल दो 0 इस इक्वेशन में, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो मुझे बताओ गाइस यहाँ से y निकल जाएगा, 0 तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5। बट आपको y निकालना है, माइनस वाई नहीं, तो ये माइनस है इधर दे दो, तो हो जाएगा माइनस 5। तो जब x 0 था तब y कितना मिल गया, माइनस 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अभी x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू जब 1 होगा तब y का वैल्यू क्या आएगा इस इक्वेशन के लिए, डाल दो x का वैल्यू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये 1 प्लस में उधर जाने के बाद माइनस, बहुत से बच्चे ऐसा कर देते हैं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये y नहीं है, ये माइनस वाई है। आपने प्लस 1 उधर लेके जाने के बाद माइनस 1 हुआ, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 4। बट हमें y चाहिए, माइनस वाई नहीं, तो माइनस की साइन उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा माइनस 4। तो y कितना मिल गया, माइनस 4। चलो x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना बन गया, माइनस 4। उसी तरह x का वैल्यू 2 है तो y कितना होगा, डाल दो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2 उधर लेके जाओ, 5 माइनस 2 ये बन जाएगा, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। तो गाइज y कितना बन जाएगा, माइनस 3। क्लियर। सो यहाँ से y का वैल्यू मिल गया माइनस 3। अंडरस्टूड। चलो हम लोगों ने x के 3 वैल्यू लिए तो करस्पॉन्डिंग y के 3 वैल्यू मिल गए, तो हमें टेबल निकालना है, हमें एक टेबल निकालना है। चलो इसमें x और y और उसके बाद में x और y के कोऑर्डिनेट। x कितना था, 0, तो y कितना मिला, 5, सॉरी माइनस 5। x था 1 तो y कितना मिला, माइनस 4। x था 2 तो y कितना मिला, माइनस 3। चलिए तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे गाइस, हाँ x है 0, y है माइनस 5, x है 1, y है माइनस 4, x है 2, y है माइनस 3। अब ये तीनों पॉइंट हम लोग इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर डालेंगे। चलिए आइए, सबसे पहला पॉइंट x का वैल्यू 0, y का वैल्यू माइनस 4।
मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर किधर मूव हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्स कितना है जीरो, बट वाई कितना है -5, तो हमें इधर किधर जाना नहीं, बस वाई की तरफ जाना है -5, मतलब ये पॉइंट आ गया। क्लियर? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 0 -5, 0 -5। नेक्स्ट पॉइंट 1 -4, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमें 1 से सरकना है और वाई एक्सिस के ऊपर हमें -4 से सरकना है। चलो ये आ गया 1, अभी -4 ऊपर है या नीचे? नीचे, क्योंकि पहला बोलता है एक्स, दूसरा बोलता है वाई, हमेशा याद में रखना। चलो पहला एक्स, गाइस ये 1 है या -1 है? 1 है, इसलिए हम लोग इधर सरक रहे हैं ओरिजिन से। -1 होता तो इधर सरके रहते, तो 1 सरके और नीचे आना है हमें -4 से, तो ये आ गया -4 से, तो ये मिल गया सेकंड पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 1 -4। थर्ड पॉइंट क्या आ गए? 2 -3, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हमें 2 से सरकना है और वाई एक्सिस के ऊपर -3 से। एक्स 2 है, वाई -3 है, तो एक्स 2 का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर 2 से सरकना है, वाई -3 है, मतलब यहां से हमें 3 से माइनस नीचे सरकना है, तो ये आ गया थर्ड पॉइंट 2 -3। और ये तीनों पॉइंट अगर आप ज्वाइन करोगे तो गाइस ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब आप इसको कितना भी खींच सकते हो ऊपर, कितना भी खींच सकते हो। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफिकल फॉर्मेट ये देखो, ये तो इस इक्वेशन को हमें देखो लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे 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 इक्वेशन बदलेंगे वैसे वैसे उनके लाइन बदलेंगे, तो ये आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ आती है तो आपको फटाक से आंसर मिल जाएंगे। अभी आंसर हम लोग निकालना सीखते हैं, अभी हम लोग दो इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये जानते हैं। ठीक है सर, चलिए फिर तो इसको हम लोग देखते हैं। अभी मान लो हमारे पास है सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये हमारे सामने क्वेश्चन आया और इक्वेशन हमें दिए गए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन दिया गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन हमें दिए गए। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, तीन स्टेप तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करो, इस वाले इक्वेशन का एक लाइन निकालो और इस वाले इक्वेशन का एक लाइन निकालो। अभी लाइन निकाला हम लोगों ने, अभी अभी देखा किस तरह से हम लोग लाइन निकालते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, वीडियो चालू है या नहीं देखने दो, चालू है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो दो इक्वेशन आते हैं आपके, इन दोनों इक्वेशन को लाइन में कन्वर्ट कर डालो। किस तरह से करना है अभी अभी हम लोगों ने जाना, चलिए हम लोग करके देखते हैं। अभी ये वाला मिटा देंगे हम लोग, ये वाली चीज मिटा देंगे, चलिए सबसे पहले पहला इक्वेशन लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अभी हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन को लाइन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग स्टेप क्या लेंगे, हम एक्स के कोई भी तीन वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2। अभी ये वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे तो हमें वाई मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू। चलो डाल के देखेंगे, एक्स का वैल्यू 0 है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो वाई का वैल्यू कितना मिल गया? 6। चलो वाई मिल गया 6। सेकेंड, एक्स का वैल्यू 1 है, डालो इसमें 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये 1 उधर लेके जाओ, 6 -1, तो वाई का वैल्यू मिल गया 5, तो वाई मिल गया 5, तो जब एक्स 1 नहीं होगा तो वाई 5 होगा। एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू हम लोग इसमें डाल देंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएंगी, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो वाई इज इक्वल टू 6 -2, तो वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये वाई इज इक्वल टू मिल गया 4, और इसका एक टेबल निकाल देना है, इसका एक टेबल निकाल देना है। एक्स, ये वाई और ये एक्स और वाई, चलो एक्स 0 है, वाई 6 है, एक्स 0 तो वाई 6, एक्स 1 तो वाई 5, एक्स 2 तो वाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 0 6 1 5 2 4। तो देखो इस इन पॉइंट की मदद से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 6, मतलब एक्स 0 वाई 6, एक्स 0 वाई 6, तो ये मिल गया सबसे पहला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 0 6। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 1 5, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 से जाना है और वाई एक्सिस के ऊपर 5 से, 1 5, मतलब हम लोग 1 पे आ गए और भी वाई पे हमें 5 से चढ़ना है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 5। नेक्स्ट है 2 4, एक्स एक्सिस के ऊपर 2 से जाना है
और वाई एक्सिस के ऊपर 4 से जाना है, 4 2 4 तो ये मिल गया 2 4। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये तीनों पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। ये तीनों पॉइंट अगर आप ज्वाइन करोगे प्रॉपर स्केल से तो इस तरह से ये लाइन आ जाएंगी। तो ये हो गई हमारी लाइन जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को। देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की ये एक लाइन है। उसी तरह ये जो जिस तरह से हम लोगों ने पहले इक्वेशन को लाइन में कन्वर्ट किया उसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी हमें लाइन में कन्वर्ट करना है। चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट था। सेम प्रोसेस, इस इक्वेशन को लाइन में कन्वर्ट करना है। एक्स की कोई भी तीन वैल्यू पकड़ लो, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, उनके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालो। तो जब एक्स का वैल्यू 0 होता है तो वाई निकालते हैं, इस इक्वेशन में डाल दो, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई कितना आ जाएगा गाइस, माइनस 4, क्योंकि निगेटिव साइन इधर आएंगी, हमें वाई चाहिए माइनस वाई नहीं, तो वाई का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 4, तो y मिल गया माइनस 4। ठीक है, x का वैल्यू जब 1 होगा तब y कितना होगा, तो डाल दिया x का वैल्यू 1 इस इक्वेशन में, 1 माइनस y इज इक्वल टू 4, 1 उधर लेके जाओ, 4 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 3, नेगेटिव साइन उधर लेके जाओ तो y की वैल्यू मिल जाएंगी y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू मिल गया माइनस 3। जब x 1 है तब y माइनस 3 है। उसी तरह जब x का वैल्यू 2 है तब y का वैल्यू कितना आएगा, तो डाल दो इसमें 2 माइनस y इज इक्वल टू 4, उधर लेके जाओ, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा गाइस, 2, नेगेटिव साइन उधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा माइनस 2, तो x 2 है तो y कितना मिल गया, माइनस 2। ठीक है गाइस, अभी हमको टेबल ड्रॉ करना है। अभी हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉ कर दिया, यहां पे x, यहां पे y और यहां पे x और y का वैल्यू। चलो x, x की वैल्यू कितनी है आपकी, 0, तो y कितना है, माइनस 4। सेकेंड एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई कितना है, माइनस 3। थर्ड एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई कितना है, माइनस 2। ठीक है गाइस, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दो, एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स और ये वाई हो गए गाइस। अभी इन सारे पॉइंट को हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 माइनस 4। चलिए एक्स एक्सिस 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर किधर सरकना नहीं, बट वाई एक्सिस के ऊपर कितना सरकना है, माइनस 4 से। तो x 0 है, y माइनस 4, ये मिल गया पहला पॉइंट, 0 माइनस 4 लिख देना इसे। दूसरा पॉइंट, x 1 है, y माइनस 3 है, मतलब x एक्सिस के ऊपर आपको 1 से सरकना है और y एक्सिस के ऊपर कितना सरकना है, माइनस 4 से। सो देखो, सॉरी माइनस 3, x 1 है और y माइनस 3 है, x 1 y माइनस 3, 1 माइनस 3। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितना है, माइनस 2, एक्स टू है वाई माइनस टू है, तो ये थर्ड पॉइंट 2 माइनस 2। अभी गाइस इन तीनों पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, यहां तक। अभी हुआ ये गाइस, ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था इस इक्वेशन को, ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को। इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट करते तो ये जो दोनों लाइन होती है, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है गाइस, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो पॉइंट आपको दिखाई देगा ग्राफ पेपर के ऊपर। बस उस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट देख लो क्या आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो देखो, ये जो पॉइंट है ये एक्स दूरी पे कितना है, इस वाले अंतर पे, और वाई दूरी पे कितना है, इस वाले अंतर पे। अब ये करेक्ट वैल्यू होंगी नहीं क्योंकि मैंने प्रॉपर ग्राफ निकाला नहीं, प्रॉपर मतलब मेजरमेंट करके निकाला नहीं। आप प्रॉपर आपके बुक में करिए, आपको प्रॉपर मेजरमेंट आएगा। तो गाइस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे ना, इसके कोऑर्डिनेट देख लेना आपने क्या है, इसके नीचे एक लाइन निकालो आपको एक्स मिल जाएगा, और इसके बेसिकली ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना सरका आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना सरका आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और यही आपके होते हैं आंसर, ये आपके होते हैं आंसर। फिलहाल हमारे ग्राफ में यहाँ पे 5 2 दिख रहा है, बट 5 5 2 करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, क्योंकि मैंने ये जो ग्राफ है ये प्रॉपर मेजरमेंट लेके लिया नहीं, स्केल लेके लिया नहीं। तो आप लोग करिए, आपके जो भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपका हो जाएगा आंसर। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो लाइन जहां इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट एक्स दिशा से कितना सरका और वाई दिशा से कितना सरका, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स दिशा से कितने दूरी पे है, 5,
और वाई दिशा से कितने दूरी पे है, टू, तो ये हो गया उसके कोऑर्डिनेट फाइव टू, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखना, ठीक है, और ये होता है आपका सॉल्यूशन। तो वो फोर्थ स्टेप में हमने वही बोल दिया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, मतलब दो लाइन के इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो बड़ा सिंपल है गाइस ग्राफिकल मेथड, आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, दोनों इक्वेशन को लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। वेट अ मिनट, आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, दोनों इक्वेशन को लाइन में कन्वर्ट कर दिए, ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी उस इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट मतलब आपका आंसर। तो दो इक्वेशन को किस तरह से लाइन में कन्वर्ट करना ये आपको सिखा दिया, बस आप वो करिए जहां इंटरसेक्ट होंगे वो आपका उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आपका सॉल्यूशन। तो ये बड़ा आसान है, ठीक है गाइस। सो आप लोग आपके बेसिकली जो उस टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड के वो ट्राई करिए, आपको देखिए आप आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ घर पे सॉल्व करने के लिए, आप इस मेथड से सॉल्व करिए। ये स्टेप गाइज आपके याद होने चाहिए, या तो ये स्टेप आप सारे लिख लो, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारी बातें आप लोग नोटबुक में कॉपी कर लेना, मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ वो सवाल आप लोगों ने सॉल्व करना। जैसे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, ये एक सवाल। सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। थर्ड, x प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एट। ये तीन क्वेश्चन गाइज आप घर पे ट्राई कीजिए, इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग और थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।